बच्चों, अगर आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, तो कोई भी आपको 90-95% स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। भैया, क्या सिर्फ एनसीईआरटी लगाने से काम हो जाएगा? भैया, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाना पड़ेगा क्या? भैया, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम क्या करें? भैया, नए टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। भैया, हमसे फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे हैं, हम क्या करें? हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल। ये जो अभी क्वेश्चंस थे, ये आप में से ही सब बच्चों के हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं कि कैसे आपको आपके सबसे टफ, सबसे कठिन और सबसे बड़े सब्जेक्ट को आसान बनाना है। और हम कोई हवा में बात नहीं करने वाले हैं, आपको ऐसे मेथड्स बताने वाले हैं जिसको फॉलो करके बच्चों ने 60 से 90+ स्कोर करा है। इसका प्रूफ हमारे ही चैनल पर शॉर्ट्स के अंदर हमने उन बच्चों का इंटरव्यू डाला है, वहां पर आप देख सकते हैं। बच्चों, मैथमेटिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट होता है। बड़ा मतलब हम सिर्फ एनसीईआरटी को कर कर इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। हमको कुछ बुक्स जैसे आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इसको उठाना पड़ता है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम एनसीईआरटी को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। बच्चों, मान लो कि आपके सामने एक थाली है, उसके अंदर 50 तरह की ना डिश रखी हुई है, जैसे कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, फिर उसके बाद समोसा, जलेबी और भी बहुत तरह के ऐसे 50 डिशेज रखी हैं। अगर आप उन सभी को एक ही बार में खाने की कोशिश करेंगे, तो ना ही आप उसको खा पाएंगे और ना ही आपका हेल्थ ठीक रह पाए। ठीक है, तो बच्चों ऐसा ही हमारे सब्जेक्ट के साथ भी है कि जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, ये इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको आरडीआरएस भी करनी पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी भी करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर भी करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना पड़ेगा, आपको सैम्पल पेपर भी लगाना पड़ेगा। और इन सब को हम एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते के अंदर नहीं कर सकते। तो इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हम कैसे मैथमेटिक्स के अंदर 90+ स्कोर कर सकते हैं, ये सारी बातों की जो स्ट्रेटेजी है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करना चाहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं कैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर 90-95% स्कोर कर सकते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सब लिखा तो है, आपको भी पता है, लेकिन सॉल्व कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर प्लस एनसीईआरटी के साथ। बच्चों, आप सभी की स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां भी आप ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है लेक्चर में, ठीक है, आपकी उसमें कुछ ना कुछ एनसीईआरटी सॉल्व करवाई जा रही होगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे होंगे। आप उन क्वेश्चंस को लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर करिए। जब आप घर पर आते हैं, तो आप सिंपली उस लेक्चर को पूरा रिवाइज करिए, जितने क्वेश्चन वहाँ पर कराए गए हैं उनको फिर से करिए, उतने पार्ट की एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए। इतना अगर आप कर रहे हैं, तो आपने उस दिन लगभग लगभग 4 से 5 या 7 क्वेश्चन कर लिए। ठीक, अच्छा, सेकेंडरी हमको सॉल्व करना होता है आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल। बच्चों, ये बुक कब करना है, जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज स्कूल में या कोचिंग के अंदर खत्म होती है, उस टाइम पर आपको क्या करना है, आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल को उठाना है। अब बच्चों, होता क्या है ना कि आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल ना, ये मोटी मोटी बुक्स हैं, ठीक है, इनको देखते से ही हम तो पहले डर जाते कि यार इतना टफ हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इसको करना कैसे है, क्योंकि ये बुक तो हमने प्रैक्टिस के लिए रख के रखी है। ठीक, और अगर आप पिछले 5 साल के पेपर देखेंगे, तो पेपर में लगभग लगभग 80-90% क्वेश्चन इन बुक्स के अंदर से छपे हुए हैं,
क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी पहले से पूरी की पूरी आ जाती है, आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इसमें आ जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं आसानी से कि 80 से 90% इन बुक से आता है। अब इसको करना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस हैं, और एक बच्चे के लिए, 10th क्लास के बच्चे के लिए 50 से 60 क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा टफ होता है। तो हम एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, हम क्या करते हैं ना कि पहले इसके अंदर जितने भी ऑड नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, जितने भी ऑड नंबर के क्वेश्चन हैं, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, ठीक है, और इवन वाले को अभी होल्ड पर रहने देंगे, क्योंकि आरडी शर्मा में क्या होता है कि एक ही जैसे कम से कम 4 से 5 एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी में क्या होता है ना, एक टाइप का एक क्वेश्चन है। अब हमको प्रैक्टिस अगर करनी है तो हर टाइप का कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे पास करे हुए होना चाहिए। अब सोचो अगर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है और हमने ऑड नंबर के क्वेश्चन सिर्फ करने हैं, तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 50 के आधे, मतलब 25 क्वेश्चन हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, मतलब एक दिन या दो दिन अगर हम बैठते हैं तो हम क्या आरडी शर्मा के पूरे सारे के सारे कंसेप्ट्स को कर सकते हैं। अब जो इवन नंबर के क्वेश्चन है वो कब करना है, जब आप एक हफ्ता या दो हफ्ता आज से हो जाएगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि यार वो चैप्टर मेरा अब हो चुका है, अब मेरे को उसको रिवाइज करना है, तो आप आपकी कॉपी को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आरडी शर्मा के जो इवन नंबर के क्वेश्चन होंगे ना उनको अप्लाई कर लेंगे। अब इससे होगा क्या, आरडी शर्मा के जो इवन नंबर के क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से अगर आप सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो सोचो हर एक तरह का, क्योंकि आरडी शर्मा में हर एक तरह के 2-3 एग्जाम्पल हैं, आपने हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हर एक कंसेप्ट पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब अब जो 25 क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये सारे के सारे आपके पूरे के पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और इसका फायदा ये हो रहा है कि भैया आपने पूरा चैप्टर रिवाइज करा है, पूरे कंसेप्ट रिवाइज करे हैं, और साथ में पूरी आरडी शर्मा भी कर ली, ठीक है। हाँ, आप आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल दोनों में से एक कोई सी भी बुक को प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ एग्जाम्पल लगाने की जरूरत है, एक्सरसाइज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर आएंगे, ठीक बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है ना कि जितने क्वेश्चन इसके अंदर हैं उसके 80 से 90% आप यहां पर कवर कर चुके हैं, अब आपको दो तीन क्वेश्चन हर जगह नए मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, ठीक है, वो भी आपके यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा, मतलब ये एनसीईआरटी भी आरडी में कवर है, एनसीईआरटी भी कवर है एग्जाम्पलर वाली, और प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर कवर्ड हो रही है, ठीक। अब बात आती है केस बेस्ड क्वेश्चन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि अगर आप नेट पर आपके किसी भी चैप्टर का नाम डालेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत इररिलेवेंट कंटेंट भी है, आपको बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आपका सीबीएसई एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको एकदम रिलेवेंट कंटेंट इसको सॉल्व करना है तो यार केस बेस्ड क्वेश्चन सही टाइप के हमारे पास होना जरूरी है। इसको हम कुछ दिन बाद हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों अगर आप इन ये सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे, इस सब को सॉल्व करने के साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हर एक डाउट पर एक गोला लगा के रखना है, और जितने क्वेश्चन डाउट में आ रहे हैं वो सारे के सारे एक अलग कॉपी में आपको लिखने हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आखिरी टाइम आएगा ना, जब आप पूरी आरडी शर्मा, पूरी एनसीईआरटी, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, आप क्या लगाएंगे उस टाइम पर, सिर्फ आपके डाउट्स, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आपको एक बार में बन चुके हैं वो तो 100% बन जाएंगे, जो जो आपके डाउट जिन्होंने आपको अटकाया था उन क्वेश्चन को बस आपको सॉल्व करना है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा भैया, इतना सारा जो कंटेंट है इसको सॉल्व करना बहुत आसान बात नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर आप आज से सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने लग जाएंगे तो यकीन मानिए
आप 95-98% स्कोर भी करेंगे और ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप ये ऑड इवन वाली मेथड से चलते हैं ना, तो ये समझ लिए आप दुनिया की कोई भी मोटी से मोटी किताब को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर बैठेंगे। और ऐसा हवा में नहीं, ऐसे कई बच्चों ने ट्राई करा है भाई और उनका स्कोर भी बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, अगर आप सीरियसली एक चीज को ध्यान दें तो मैं आपको बताऊं कि यार इन सब चीजों को करने के बाद भी ना हमसे नए टाइप के क्वेश्चन नहीं बन पाते कई बार। ठीक है, और जो नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना वो कहां से आते हैं, जो इन सब में हमारे डाउट्स हैं ना वहां से आते हैं। तो यार ये डाउट्स अगर हमारे क्लियर रहते हैं ना पूरे के पूरे, और डाउट्स को हमने एक दो बार लगा लिया है, तो ये समझिए आप हर नए तरह के क्वेश्चंस को फाइट कर जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों में ना मैथ्स का डर होता है कि मैथ्स बनता नहीं। उसके लिए क्या करो, जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना वहाँ क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो वो आसान आसान क्वेश्चनों को पहले सॉल्यूशन देख देख के कर लो। ठीक, जब समझ में आने लगे उसके बाद खुद से अप्लाई करना सीखो। ऐसा अगर आप 2-3 दिन 4 दिन करने लग जाते हैं तो आप देखना आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनने लग जाएगा, क्वेश्चन को बार बार रीड करना लगेगा। ठीक, उसके बाद हमारी चीज आती है कि भैया ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो बच्चों फॉर्मूले के लिए हमने एक फॉर्मूला बुकलेट बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक बच्चों, अगर आपने ये सारी चीजों को फॉलो कर लिया ना तो कोई भी आपको 90-95% स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। अब बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये जो स्ट्रेटेजी चल रही है इसको आखिरी तक ऐसे ही लेके चलना है, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई नई स्ट्रेटेजी आ जाती है। ठीक है, तो हमको हर महीने स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना है। हमको एंड में जाकर सैंपल पेपर भी लगाना है तो सैंपल पेपर को भी के लिए भी वहाँ पर टाइम बचा के रखना पड़ेगा। बच्चों आपकी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाली है, आज अगस्त हो रही है। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी में भी आपके प्रैक्टिकल्स, आपको प्रैक्टिकल्स लिखना रहेगा, प्री बोर्ड रहेगा, मतलब सिर्फ 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इसमें जितनी जान लगा सकते हो लगा दो। और बच्चों अगर आप आपके चैप्टर देखें तो लगभग 14 चैप्टर्स आपके यहाँ पर होने वाले हैं, और अगर आप उसको 4 महीने में डिवाइड करते हो तो लगभग हर महीने आपके 3 से 4 चैप्टर होने चाहिए। अगर आप 5 सब्जेक्ट में देख रहे हैं तो आपके लगभग लगभग 60 से 70 चैप्टर्स होंगे। उसको अगर आप सॉल्व करने वाले हैं 60 चैप्टर को इन 4 महीने के अंदर, ठीक है, तो आपके लगभग 15 चैप्टर 1 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तब जाकर आप दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जनवरी में आप सैंपल पेपर, प्री बोर्ड और इन सब के लिए रेडी रहेंगे, और फरवरी में आप आपकी फाइनल एग्जाम को अच्छे से फोड़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये जो है ना ये चीज़ें ये हमको सबने बताई हुई है, हमको पता भी है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, डेली कैसे इसको डिवाइड करना है ना बच्चों, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, इन सबको हम सॉल्व कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और फोड़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।